हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम लोग एरोमेटिक्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और लास्ट लेक्चर में पार्टिकुलरली हम लोगों ने जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं या गैसियस प्रोडक्ट्स से कैसे हम लोग एरोमेटिक्स या BTEs का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में देखा था। बेसिकली हम लोग LPG से एरोमेटिक्स या BTEs की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखा था। आज एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेक्स्ट जो कंपाउंड्स है, दो कंपाउंड्स जैसे मैलिक एनहाइड्राइड है, एक थैलिक एनहाइड्राइड है, दो कंपाउंड्स है जो सिमिलर तरीका है उनके मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट, ये कहिए कि डेरिवेटिव्स ही हैं, ये बेंजीन से, एक कंपाउंड बेंजीन से ऑब्टेंड होता है, और थैलिक एनहाइड्राइड जो है आपका ऑर्थोजाइलिन से ऑब्टेंड होता है, या थैलिक आपका नेफ्थलीन से ऑब्टेंड होता है। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव्स ही हैं एरोमेटिक्स के, तो इनके बारे में भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इनका प्रोसेस जो है सिंपली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बेसिकली हम लोग बहुत मतलब डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको शॉर्ट में। तो थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, एक बेंजीन रिंग लगी होती है और दो कार्बन लगे होते हैं, और ये जो एनहाइड्राइड ग्रुप है बेसिकली, तो ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड हुआ। थैलिक एनहाइड्राइड का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट 284.5 है, तो ये जो नॉर्मल एरोमेटिक्स हैं बेंजीन टॉलुइन उनसे बहुत ज़्यादा होता है। और डेंसिटी जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर से ज़्यादा हैवियर होता है। और जो सॉलिबिलिटी की बात की जाए तो ये वाटर में जो है स्लाइटली सॉलिबल है, और ये स्लाइटली सॉलिबल इन वाटर और ईथर में, जो हॉट वाटर अगर हम लोग यूज़ करें तो उसमें स्लाइटली सॉलिबल है, ईथर में भी स्लाइटली सॉलिबल, मतलब सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये निकल के आई। तो बेसिकली इनका यूजेस क्या है, किस लिए हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इनका जो यूज़ मेजर है, अगर मतलब इंडिया में इसका यूज़ डिफरेंट तरीके से होता है और वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे इंडिया में प्लास्टिसाइजर होता है, प्लास्टिसाइजर का जैसे 38% कंजम्पशन है, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो प्लास्टिसाइजर का ज़्यादा कंजम्पशन है, 50% कंजम्पशन है। तो बेसिकली प्लास्टिसाइजर होते क्या हैं, तो प्लास्टिसाइजर जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम लोग करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं हम लोग प्लास्टिसाइजर को, प्रोसेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनकी स्ट्रेचिबिलिटी बढ़ाने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो आपके मोनोमर्स हैं या जो पॉलीमराइज करके जो कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये प्रोसेस में मतलब बेसिकली ये स्मूथनिंग का फंक्शन करते हैं, प्रोसेस को जो है ना लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं प्रोसेस में ये, तो प्रोसेस की प्रोसेसिबिलिटी बढ़ा देंगे, स्ट्रेचिबिलिटी बढ़ा देते हैं प्रोसेस की, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, और क्या कहते हैं, मेल्ट की विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। लुब्रिकेशन अगर प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो विस्कोसिटी बेसिकली रिड्यूस कर देंगे। तो जो हमें एक ख्याल करना है कि दो प्रॉपर्टीज हमें ज़्यादा यूज़ मतलब ध्यान रखनी चाहिए एटलीस्ट। तो जैसे एक प्लास्टिसाइजर का काम करते हैं, तो प्लास्टिसाइजर का क्या काम होता है बेसिकली, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होती है उसमें यूज़ होते हैं, वो विस्कोसिटी को रिड्यूस करने के लिए आप उनको कर सकते हैं, या तो प्रोसेसिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, स्ट्रेचिबिलिटी भी इंक्रीज़ करने के लिए। फिर दूसरा जो इनका अल्काइड रेजिन्स वर्ड यूज़ करते हैं, अल्काइड रेजिन्स के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली अल्काइड रेजिन क्या होता है, जो पेंट्स वगैरह में जो हम लोग यूज़ करते हैं पेंट पिगमेंट्स में, तो वही अल्काइड रेजिन, तो 70% वर्ल्ड वाइड है इंडिया में, पेंट्स में उसका ज़्यादा यूज़ है, पेंट्स में 36% के आसपास है, डाइज एंड पिगमेंट्स में 13%। तो बेसिक जो यूज़ है मैलिक थैलिक एनहाइड्राइड का, वो प्लास्टिसाइजर बनाने में है, और आपका अल्काइड रेजिन्स में, अल्काइड रेजिन्स में पेंट्स आ जाएगा, पिगमेंट्स आ जाएगा। तो अब मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स पे आते हैं कि इसके मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो बेसिकली दो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एक तो हम लोग नेफ्थलीन यूज़ करते हैं, तो नेफ्थलीन क्या होती है, डबल बेंजीन, जब दो बेंजीन होती हैं तो ये नेफ्थलीन होती है, सॉरी सिक्स कार्बन की रिंग है, ये नेफ्थलीन है, इसका ऑक्सीडेशन करा दें, तो ऑक्सीडेशन करा देते हैं 4x42 से, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट आपका होता है। तो बेसिकली ये क्या होगा कि ये जो ये वाले कार्बन, दोनों ये यहाँ पे एक बेंजीन रिंग तो इंटैक्ट रहेगी, उसके बाद से ये जो ये वाला कार्बन है ये कार्बन लगा रहेगा, ये वाला जो कार्बन है ये लगा रहेगा, फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। pH लिखते हैं, फिर थैलिक एनहाइड्राइड ऐसे पढ़ते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड लिखते ऐसे हैं।
फिर क्या है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो CO2 बनेगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन ख़त्म हुए होंगे तो H2O बनेगा, तो CO2 भी बनेगा आपका, H2O भी बनता है, तो ये सब प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब हो सकता है कि साइड रिएक्शंस हों तो आपका एक मैलिक एनहाइड्राइड भी बन जाए, जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा बाद में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या बनता है ये, अगर हम नेफ्थलीन यूज़ कर रहे हैं तब यहाँ से ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। और दूसरा प्रोसेस है वेनेडियम पेंटोक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट आपको याद होगा जब सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे थे, तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए वेनेडियम पेंटोक्साइड यूज़ करते हैं। और जो दूसरा इसमें यूज़ करते हैं वो ज़ाइलीन यूज़ करते हैं, लेकिन ज़ाइलीन की कौन सी, ऑर्थो ज़ाइलीन। तो ऑर्थो कौन से कंपाउंड होते हैं जहाँ पे दो एडजेसेंट, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे CH3 है तो सेम ग्रुप उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे होता है, CH3 है प्लस आपका O2 है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी वही ऑक्सीडेशन होगा, बेंजीन रिंग वैसे ही रहेगी, आपका कार्बन जो है ना ये यहाँ से डबल ओ सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन टू एनहाइड्राइड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे H2O जो वाटर है बन जाएगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ही यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट सेम रहता है, बस प्रोसेस की कंडीशंस अलग अलग हैं। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो बेसिकली दो तरीके हैं मैन्युफैक्चरिंग के, यहाँ पे नेफ्थलीन है ऑक्सीडाइज आपने किया, एयर यहाँ पे है, ऑक्सीजन बेसिकली यूज़ हो रही है तो ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, H2O बना दिया, थैलिक एनहाइड्राइड बना दी। यहाँ पे ऑर्थो ज़ाइलीन जब यूज़ कर रहे हैं, ऑर्थो कौन से होते हैं, जब सेम आपका ये जो ग्रुप है वो दो सिमिलर ग्रुप दो अलग अलग पोजीशन पे एडजेसेंट पोजीशन पे ज्वाइन होते हैं तो वहाँ ऑर्थो कंपाउंड होता है। तो ऑर्थो ज़ाइलीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज होकर थैलिक एनहाइड्राइड बन जा रहा है, प्लस हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं डिकम्पोज हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है। तो साइड अगर रिएक्शंस क्या होंगे, साइड रिएक्शन होंगे तो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड बनता है जो कंपाउंड है, और उसके साथ साथ क्या बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मान लीजिए बन रहा है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। रिएक्शन जो है ना हाईली एक्सोथर्मिक है, भले हायर टेम्परेचर पर होती है रिएक्शन, लगभग 400 to 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर ये वाला प्रोसेस हम लोग कराएंगे ऑर्थोजाइलिन का तो 400 डिग्री सेल्सियस पे होगी, लेकिन अगर नेफ्थलीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो और हायर टेम्परेचर पे होती है। तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, यील्ड जो है इसमें 85% के आसपास है, हमें थैलिक एनहाइड्राइड मिल जाता है। तो अब हम लोग प्रोसेस फ्लो शीट इसका देखेंगे किस तरह हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्री में। तो ईजी है, मतलब कोई ज़्यादा इक्विपमेंट इसमें यूज़ नहीं होते हैं। बेसिकली क्या है कि इसमें हम लोग ये दो रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, चाहे ऑर्थोजाइलिन हम लोग यूज़ करें चाहे नेफ्थलीन यूज़ करें, बस दोनों केस में रिएक्टर डिफरेंट हो जाएंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्थोजाइलिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर ऑर्थोजाइलिन यूज़ करेंगे तो रिएक्टर आपका क्या होगा, और जब हम लोग यही नेफ्थलीन यूज़ करेंगे तब रिएक्टर क्या होगा। तो जब ऑर्थोजाइलिन हम लोग यूज़ करते हैं तो ट्यूबुलर रिएक्टर यूज़ करते हैं, ट्यूबुलर रिएक्टर आपने देखे होंगे ना, ऐसे होते हैं, यहाँ पे ट्यूब्स लगी होती हैं, ट्यूबेंशियल टाइप का रिएक्टर होता है। अब यहाँ से रिएक्टेंट को आप यहाँ ट्यूब से पास कर दीजिए, शेल से किसी और को पास कर दीजिए, तो ट्यूबुलर रिएक्टर होगा। लेकिन जब नेफ्थलीन यूज़ कर रहे होंगे हम लोग, तो नेफ्थलीन के केस में हमारे पास फ्लूइड बेड रिएक्टर होगा, कहीं कहीं उसको फ्लूडाइज्ड बेड भी रिएक्टर कहते हैं, फ्लूइड बेड रिएक्टर या फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर। तो बेसिकली कैटलिस्ट को हम लोग इसमें फ्लूडाइज कर देते हैं, तो फ्लूइड के कंडीशन में सॉलिड होता है कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटोक्साइड, लेकिन उसको हम फ्लूडाइज कर देते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है नेफ्थलीन लेंगे हम लोग या ज़ाइलीन लेंगे। तो मान लीजिए पहले नेफ्थलीन लेके देख रहे हैं, ज़ाइलीन भी, मतलब दोनों प्रोसेस आना चाहिए हम लोग को। एग्ज़ाम में अगर कोई पार्टिकुलर प्रोसेस का नाम लेके पूछता है कि ज़ाइलीन से आप लोग थैलिक एनहाइड्राइड बनाइए, तब भी हम लोग बना लेंगे, अगर कहता है नेफ्थलीन से कैसे बनाएंगे तब भी बना लेंगे, ऑलमोस्ट सेपरेशन प्रोसेस सेम है,
जस्ट हम लोग का जो ये रिएक्टर है वही बस डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे नेफ्थलीन लेंगे तो ऑक्सीडेशन कराना है तो इसलिए एयर की ज़रूरत होगी, तो एयर हम लोग कंप्रेस कर लेंगे यहाँ से, एयर ये कंप्रेशर है तो हमने यहाँ से फ्रेश एयर कंप्रेस कर ली, उसके बाद हीट एक्सचेंज कर लेंगे। हीट एक्सचेंज कहाँ से करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा होगा क्योंकि हायर टेम्परेचर पे है तो इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर होगा यहाँ पे। इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर मतलब कोई एक स्ट्रीम आ रही होगी, वो प्रोसेस की ही स्ट्रीम होगी, उससे हम लोग इसको गर्म कर लेंगे। तो हीट कर लेंगे तो इसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन कंडीशन आपकी 600 डिग्री सेल्सियस पे है। तो उसको फर्दर हीट करने के बाद हम लोग इसको कहाँ ले जाएंगे, रिएक्टर में, फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में ले जा रहे हैं। तो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है आपका जो ज़ाइलीन नेफ्थलीन है, क्योंकि फ्लूडाइज बेड रिएक्टर नेफ्थलीन यूज़ करते हैं, तो नेफ्थलीन को हम लोग क्या करेंगे, नेफ्थलीन को हम लोग पहले मेल्ट कर लेंगे। तो मोल्टन फॉर्म में होगी और फिर मोल्टन फॉर्म में होगी तो यहाँ पे हम स्प्रे करेंगे धीरे धीरे नेफ्थलीन को। तो नेफ्थलीन को स्प्रे करेंगे और एयर नीचे से जा रही है तो उससे क्या होता है, स्प्रे क्यों करते हैं हम लोग, मोल्टन फॉर्म इसलिए लेते हैं कि जिससे कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाए, मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज़ हो जाए। तो क्योंकि हायर टेम्परेचर पर हो रहा है रिएक्शन, तो जैसे स्प्रे करेंगे तुरंत आपका ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी नेफ्थलीन्स जो हैं। तो नेफ्थलीन वेपर में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद ये रिएक्शन हुई तो आपका प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, हाईलो एक्सोथर्मिक है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हीट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए फ्लूइड बेड रिएक्टर जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ट्यूब प्रोवाइड कर देते हैं, ट्यूब प्रोवाइड कर देंगे, कहिए कि कॉयल प्रोवाइड कर देंगे। कॉयल में हम लोग मोल्टन जो है सॉल्ट जो है मोल्टन सॉल्ट का सोल्यूशन जो है ना उसमें सर्कुलेट करेंगे, तो क्या करेगा वो हीट जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं हीट। ये था जब हम लोग फ्लूडाइज बेड रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में हम लोग जो आपका रॉ मटेरियल है नेफ्थलीन को हम लोग मेल्ट करके स्प्रे करते हैं, वो तुरंत वेपराइज हो जाता है हायर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपकी वेपर्स एयर नीचे से जा रही होती है वो रिएक्ट कर देती हैं, रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट बन जाता है। जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, कॉयल्स या ट्यूब्स प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्टर के अंदर, और उसमें हम लोग मोल्टन सॉल्ट का सोल्यूशन जो है सप्लाई करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो जिससे वो रिएक्शन के टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब रिएक्शन हुई क्योंकि कैटलिस्ट आपका फ्लूडाइज आपने कंडीशन में रखा है, तो अगर आप बाहर लोगे तो कैटलिस्ट भी बाहर चला जाएगा, फिर आपको वहाँ सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट को रिकवर करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक साइक्लोन लगा देते हैं। तो साइक्लोन में फीड यहाँ से इंटर होगी, साइक्लोन ऐसे एक बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साइक्लोन का फंक्शन कैसे होता है, तो जो क्योंकि इनलार्ज होता है एरिया, यहाँ पे लार्ज हो जाता है तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, तो जो कैटलिस्ट होंगे आपके नीचे गिर जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स है यहाँ से चले जाएंगे। ये तो हुआ जो नेफ्थलीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब उस रॉ मटेरियल। अगर यही हम लोग ज़ाइलीन यूज़ करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, ज़ाइलीन में हम लोगों ने देखा कि कैसा आपका रिएक्टर होगा, ट्यूबलर रिएक्टर होता है उसमें, तो एयर कंप्रेस करके लाते हैं, ट्यूबलर रिएक्टर होता है, ट्यूब्स में आपका कैटलिस्ट होते हैं, डिपॉजिटेड होते हैं कैटलिस्ट, उसमें हम लोग पास कराते हैं आपका ट्यूब्स के थ्रू पास कराते हैं आपका ये आपका ज़ाइलीन को वेपराइज फॉर्म में, यहाँ पे वेपराइज कर लेते हैं, और आपका एयर को इनको हम लोग ट्यूब में भेजते हैं, ट्यूब में कैटलिस्ट होता है तो रिएक्शन हो जाती है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे कूलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कूलिंग करने के लिए हम लोग जो है ना शेल साइड जो बची होगी उसकी, उसमें हम लोग मोल्टन सॉल्ट यहाँ पे भी सर्कुलेट कर देंगे। तो वहाँ पे भी हीट कंट्रोल कर ले रहे थे हम लोग, यहाँ पे भी हीट कंट्रोल कर ले रहे थे। अब यहाँ से क्या होता है, उसमें साइक्लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे जब हम लोग ट्यूबलर रिएक्टर यूज़ कर रहे होंगे, तो अब यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला ये साइक्लोन के बाद जो प्रोडक्ट निकला उसमें क्या होगी, बेसिकली वेपर्स होंगी आपके जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई हैं, और आपका कैटलिस्ट यहाँ से हम लोगों ने रिकवर कर लिया, तो उसको जो आपकी वेपर्स हुई बेसिकली अब हम लोग सेपरेशन प्रोसेस में ले जाएंगे। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेटर में ले जाते हैं, वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाती है इम्प्योरिटीज़ कुछ हैं, उसके बाद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हायर टेम्परेचर पे है तो उसकी हम लोग के लिए अच्छा यही होगा कि जो टेम्परेचर को यूटिलाइज़ कर लें। तो यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टीम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बॉयलर फीड वाटर है बेसिकली, यहाँ पे ये बॉयलर है कहिए, यहाँ पे हम वाटर फीड करते हैं, तो ये क्योंकि हायर टेम्परेचर पे 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो यहाँ पे स्टीम बन जाती है।
तो स्टीम को फर्दर हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस में। यहाँ पे कूल हो गया आपका प्रोडक्ट, फिर उसको फर्दर एक स्टेज में कूल करते हैं ये, और जो आपकी एयर आ रही थी उसको इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में हीट कर देते हैं, जिससे ये आपका प्रोडक्ट और कूल हो जाता है। अब कूल होने के बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको फर्दर एक मतलब यहाँ पे कूल होने के बाद ये कंडेंस हो जाएंगी, जो हायर हैवियर कंपोनेंट होंगे आपके वो कंडेंस हो जाते हैं, जैसे टार है तो टार यहाँ पे कंडेंस होके रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना कूल करते हैं, इसका जो ड्यू पॉइंट होता है आपका जो थैलिक एनहाइड्राइड का 125 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ड्यू पॉइंट, कहाँ पर, जहाँ पर आपकी ये लिक्विड में फॉर्मेशन होने लगता है, तो वहाँ से जस्ट स्लाइटली अबव हम लोग इसको रखते हैं। तो ड्यू पॉइंट के अबव रखेंगे उसको, फिर यहाँ से हम लोग ले आएंगे, एक सेटलर टैंक है वहाँ पे, क्या होता है टार जो है सेपरेट हो जाता है, टार रिमूव हो जाता है। अब उसके बाद जो है आपके कंडेंस थैलिक एनहाइड्राइड है उसको हम लोग भेजते हैं थैलिक एनहाइड्राइड ये कंडेंसर में। ये जो था ये रिएक्टर था, फ्लूइड बेड रिएक्टर था, दोनों की डिज़ाइन सेम है। तो बेसिकली अगर आपको याद रखना है, इस प्रोसेस में याद रखना है, तो बस सेम टाइप के दो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं। ये फ्लूइड बेड रिएक्टर है, अगर ऑर्थोजाइलिन की बात करेंगे तो ये बस ट्यूबुलर रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, फ्लूइड बेड कंडेंसर है। तो हम लोग कंडेंसर में ले जाते हैं, और कंडेंसर में क्या होता है कि ये जो आपकी थैलिक एनहाइड्राइड है वो जो है क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो क्रिस्टलाइज हो जाता है तो उसको फिर क्रिस्टलाइज हो के फिर उसको हम लोग मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के बाद फिर उसको फर्दर सेपरेशन के लिए जो है हम लोग भेज देते हैं। यहाँ पे आपका फ्यूमेरिक एसिड भी बन जाता है। तो ये जो कंडेंसर यह है, यहाँ से दो प्रोडक्ट्स हम लोग को जनरेट होंगे, एक फ्यूमेरिक एसिड होगा और आपका जो दूसरा है थैलिक एनहाइड्राइड होगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड को हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ कंडेंस होने के बाद वो जो है ना उसको मेल्ट कर लेंगे बाद में, उसके बाद डिस्टिलेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्रिस्टलाइजेशन से फर्दर प्योरीफाई कर लेते हैं। तो एक सवाल ये बनता है कि ये किस तरह ये आपका वर्क करता है, ये जो थैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे हमने कंडेंसर बोला, कंडेंस का मतलब बेसिकली ये कूल करके कंडेंस कर रहा होगा, तो ये स्विच कंडेंसर होता है बेसिकली। तो स्विच कंडेंसर का मतलब ये ऑन और ऑफ मोड में रहता है, मतलब एक बार ऑन होता है कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है, जैसे इसने कंडेंस किया आपको, कंडेंस का मतलब क्रिस्टलाइज कर दिया थैलिक एनहाइड्राइड को, तो जैसे ये क्रिस्टल फॉर्म हुई तो फिर ये प्रोसेस रोक देता है, फिर क्रिस्टलाइजेशन रोक देता है, फिर क्योंकि हम इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके फिर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर ऑन हो जाएगा वो क्रिस्टलाइजेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन बनाएगा, फिर हम लोग जब उसको मेल्ट करने लगेंगे तो मेल्ट करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, H2O को मतलब हॉट H2O को सर्कुलेट कर देंगे गर्म उसको, और जो कूल मेल और फिर ठंडा करना है तो ठंडा वाटर या कोई और कूलिंग मीडियम आप लोग इसमें प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे वो क्या करता है कि क्रिस्टलाइज कर देता है। बेसिकली जो हम लोग इसमें थैलिक एनहाइड्राइड को रिमूव कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज करके क्रिस्टल्स बना के उसके रिमूव कर रहे हैं, तो ये कंडेंस कर देता है, तो कंडेंस होकर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल को फिर हम लोग जब क्रिस्टल बन गए तो फिर प्रोसेस को रोक देंगे, मतलब ऑफ कर देंगे, तो स्विच मोड में इसको कहते हैं हम लोग कि ये चलता है, ऑफ कर देंगे, तो उसके बाद जो क्रिस्टल्स होगा उसको हम लोग मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट करके फिर निकाल के फर्दर जो है उसको प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग भेज देते हैं। तो इस तरह ये ऑन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चलता रहता है, और फिर इससे हम लोग फ्लूइड को सर्कुलेट, हॉट फ्लूइड को सर्कुलेट करते रहते हैं, और वहाँ से जो है ना अपना प्रोडक्ट हम लोग का थैलिक एनहाइड्राइड निकलता रहता है। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, बेसिकली पहला स्टेप है कि रिएक्टर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद हम लोग का यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, बस दो जगह हम लोग हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, और तार जो फॉर्म होता है उसको जब हम लोग कंडेंस करेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद बस ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सेपरेशन यूनिट है, ये क्या है कि फ्लूइड बेड कंडेंसर है, बेसिकली ये स्विच मोड में काम करता है, कुछ देर ऑन रहता है कुछ देर ऑफ रहता है, जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं ऑफ रहता है, जब क्रिस्टल्स को मेल्ट करके हम लोग निकाल लेते हैं तो ऑन हो जाता है। तो इस तरह हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड।